नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। तो चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में शुरू हुए नैनो यूरिया के दो नए प्लांट, हर दिन 4 लाख बोतलों का होगा उत्पादन। अब घर बैठे ऐप के जरिए होगा किसानों की हर समस्या का समाधान। व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है भारत सरकार। जल्द खराब होने वाली फसलों को मिलेगा बेहतर बाजार। जल्द ही 21 नए हवाई अड्डों से जोड़ी जाएगी कृषि उड़ान योजना। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जहां केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं बीते रोज उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दो बड़ी सौगात दी है, जिसके अंतर्गत उर्वरक के क्षेत्र में दुनिया की नंबर वन सहकारी संस्था इफ्को के दो अतिरिक्त नैनो यूरिया संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए गए, जिसमें बरेली में इफ्को आंवला इकाई और इफ्को फूलपुर प्रयागराज शामिल है। आपको बता दें कि इन दो नए नैनो यूरिया संयंत्रों की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 2 लाख बोतल होगी, जिसके जरिए जहां आने वाले दिनों में भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर सकेगा, साथ ही उपलब्धि उर्वरक क्षेत्र को और मजबूत करेगी। जाहिर है कि जहां नैनो यूरिया किसानों की खेतों में लगने वाली लागत को कम करती है, वहीं इस उर्वरक से प्रदूषण का खतरा भी कम होता है, साथ ही नैनो यूरिया मिट्टी को भी बचाता है। वहीं इफ्को प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की माने तो नैनो यूरिया फसल की पोषण गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में बहुत प्रभावी पाया गया है और इसका भूमिगत जल और पर्यावरण की गुणवत्ता पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर खतरे पर भी विराम लगाया जा सकता है। ऑनलाइन के इस दौर में खेती में आने वाली किसानों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। वहीं इसी कड़ी में किसानों को बेहतर सुविधाएं और खेती की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित कर रहा है। जानकारी के अनुसार जिस तरह आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का दौर विकसित हो रहा है, वहीं इसी की तर्ज पर भारत सरकार भारतीय किसानों को मदद मुहैया कराकर खेती की बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है, जिससे किसान व्हाट्सएप के वॉइस रिकॉर्डर से अपनी आवाज रिकॉर्ड करके खेती की जानकारी हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग के साथ चैटबॉट्स को आंकड़ों के साथ प्रशिक्षित करते हुए विकसित किया जाता है, जो कई भाषा समझ सकता है, जो कि आने वाले समय में किसानों को मौसम के पूर्वानुमान, फसल की कीमतों और फसल से संबंधित दूसरी जानकारी सेकंड्स में ही प्रदान कर सकता है। इतना ही नहीं, किसानों को ये फसल बोने, फसल काटने या बेचने के बारे में सही फैसले लेने में सहायता करता है, साथ ही फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, मिट्टी के स्वास्थ्य और खेती से संबंधित दूसरे विषयों से संबंधित प्रश्नों के भी उत्तर आसानी से दे सकेगा। जल्द खराब होने वाली फसलों को बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाने के एवज में हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार कृषि उड़ान योजना से देश के 21 और हवाई अड्डों को जोड़ना चाहती है, जिससे जल्द खराब होने वाली कृषि, बागवानी और मत्स्य उत्पादों का तेज रफ्तार से हवाई परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस बात की जानकारी सिंधिया ने भारत के G20 अध्यक्षता में कृषि उप प्रमुखों की इंदौर में जारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल कृषि उड़ान योजना से देश के कम 31 हवाई अड्डे जुड़े हुए हैं और मेरी योजना है कि जल्द ही इसमें 21 और हवाई अड्डों को जोड़ दिया जाए, ताकि जल्द खराब होने वाले उत्पादों को रफ्तार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में पैदा होने वाले नींबू, कटहल, अंगूर और इस योजना के जरिए न केवल देश के अन्य हिस्सों में पहुँच रहे हैं, साथ ही जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों में भी इनकी पहुँच बढ़ रही है। मतलब है कि इंदौर में G20 बैठक के दूसरे दिन खाद्य सुरक्षा और पोषण, पर्यावरण अनुकूल तरीकों से टिकाऊ खेती, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य आपूर्ति तंत्र और कृषि के डिजिटलीकरण सरीखे 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आयोजित 3 दिवसीय बैठक में 30 देशों के 89 कृषि प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के करनाल जिले से रिमोट का बटन दबाकर रेवाड़ी जिले के गांव बिदावास में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सहकारी दूध प्लांट का शिलान्यास किया है। रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल के गांव बिदावास में दूध प्लांट दिए जाने पर इस गाँव के लोगों में खुशी की लहर है। राजस्थान सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। राजस्थान में कर्ज और परिस्थितिवश कारणों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए ऋण राहत आयोग यानी कि लोन रिलीफ कमीशन का गठन किया जाएगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण जिन किसानों की जमीनें नीलाम होती हैं, कर्ज चुकाने में वो असमर्थ किसानों की सहायता के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है। इंदौर से स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में बीते मंगलवार को चना काटा 50 रुपए, मसूर 75 रुपए और तुअर यानी कि अरहर के भाव में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। इससे मंडी में दलहन बेचने आए किसानों को काफी फायदा हुआ है। हालांकि आम जनता कीमत में तेजी आने से परेशान हो गई है। आम लोगों का कहना है कि कीमत में 200 रुपए बढ़ोतरी से खुदरा बाजार पर भी असर पड़ेगा। सचिन पायलट ने हाल ही में अपने मीडिया फ्रेंड्स के लिए किसान लंच का आयोजन किया था। किसान लंच के आयोजन में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट द्वारा शुरू किया गया था। इस दौरान सचिन पायलट के लंच में मिलेट से बने व्यंजन दिखाई दिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उनके ट्रेडिशनल किसान लंच में फार्म फ्रेश आइटम गाजर, अमरूद, बेर, फल, बाजरे की रोटियों के साथ ही माखन और गुड़ आदि परोसे गए थे। बंदायू में अफीम के किसान तस्करी की राह पकड़ने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में पुलिस द्वारा की गई धरपकड़ में इसका खुलासा हुआ है। जहां एक तरफ वजीरगंज पुलिस ने 22 लाख की अफीम समेत लाइसेंसधारी किसान को गिरफ्तार किया है, वहीं जरीफ नगर थाना पुलिस ने भी लाइसेंसधारी किसान को डोडा समेत पकड़ा है। कुल मिलाकर जिम्मेदारों की शिथिलता के चलते अफीम के खेतों में अब तस्करी की पौध भी उगने लगी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।